बदमाश भले ही कितना शातिर क्यों ना, लेकिन एक न एक दिन उसका पकड़ा जाना तय होता है। मामला मैनपुरी से है, जहां पुलिस ने अंतरजनपदीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ भले ही तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन इस अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस दिन रात एक कर रही है। मामला मैनपुरी कलहर थाना क्षेत्र का है, जहां मैनपुरी पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाले बदमाशों के अंतरजनपदीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 सदस्यीय गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी ने एक्सप्रेसवे पर हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इनमें 6 सदस्यीय गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और इन बदमाशों के पास से 1 अदद लूटा हुआ मोबाइल फोन, 1 बुलेरो कार, लूटे गए 35,000 में से 15,000 नगद, 3 तमंचे समेत भारी मात्रा में कारतूस और 12 लोहे की नुकीली कीले समेत अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। यह गैंग कुल 6 सदस्यों वाला गैंग है, जिसमें से हमारी टीम ने 3 सदस्यों को, 3 बदमाशों को, लुटेरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सरगना भी शामिल है। सरगना बंटू यादव और राम कुमार यादव, ये जसराना कस्बे का मूल निवासी है। इस गैंग से पूछताछ में बात सामने आई है कि ये गैंग एक्सप्रेसवे पर कीले गाड़ करके और उसके बाद जो यात्री आते हैं उनके गाड़ियों के टायर पंचर करके फिर उनको लूटपाट करता है। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वो किस तरह से रात का फायदा उठाकर एक्सप्रेसवे पर 11 से 3 बजे के बीच मोटी नुकीली कीले सड़क पर गाड़ते थे और वहां से निकलने वाले राहगीरों को अपना शिकार बनाते थे। फिलहाल पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।